धारा गल्प पताका उत्तोलन प्रश्न उत्तर आलोचना राय बहादुर घरर झरका कबाट बंद करदेले काहीकि प्रथम प्रश्न अछि राय बहादुर घरर झरका कबाट बंद करदेले काहीकि बाहरे राय बहादुर पटुआर शंख घंटा फुलहुली तोपर मिलित ध्वनि शुणिले एवं ताहा निकटतर हेबारु क्रमशः निकटतर हेबारु ओ वृद्धि पाइबारु से ध्वनि तांकु श्रुतिकटु होइथिला तेणु से घरर झरका कबाट बंद करिदेले माने सही ध्वनि सबु तांकु श्रुतिकटु होइथिला सेथिपाई से झरका कबाट बंद करिदेले पटुआरे नेतृत्व किए नहीं थिले जो पटुआर जाऊला से ही पटुआर नेतृत्व किए नहीं थिले पटुआर नेतृत्व नहीं थिले राय बहादुर परलोकगत ज्येष्ठ पुत्र अरुणर पुत्र विजय अर्थात राय बहादुर नाति पटुआर नेतृत्व नहीं थिले राय बहादुर नाति किंबा आम लिखा जे तांकर जो परलोकगत पुत्र अरुण तांक पु विजय सोमनाथ ड्रयार चेस्ट चाबी काहाकु देई नथिले काहीकि प्रश्न अछि जे से काहीकि काहाकु मध्य तांकर से जो ड्रयार चेस्ट चाबी देई नथिले सोमनाथ ड्रयार चेस्ट चाबी काहाकु देई नथिले कारण सेही ड्रयारटी तांकर एकांत निजस्व थिला सही ड्रायरटी तांकर एकांत निजस्व थिला। चार नंबर प्रश्न 1923 साल रे सोमनाथ को काहीकि सनंद दिया जाइथिला तांकु जो प्रशंसा पत्र दो दिया जाइथिला क्यों कारण पई तांकु ब्रिटिश सरकार 1923 रे सही सनंद देइथिले तार उत्तर आमे लिखिबा जे सहरर थाना एवं कचेरी उपरे आक्रमण पाई आसीथिबा एक विराट पटुआरपु दृढ़ हस्तरे दमन करिवार दायित्व ब्रिटिश सरकार देइथिले राय बहादुर को सेही दायित्व को खूब निष्ठार सहित तुलाइबाकु जाई निज पिस्तल रु फुटाइथिबा गुली रे पुओ अरुणर मृत्यु होइथिला तांकर एही अतुलनीय कर्तव्य निष्ठार फलस्वरूप 1923 साल रे सोमनाथ को सनंद दिया जाइथिला। पांच नंबर प्रश्न अछि स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी ए कथा किए कहाकु ओ काही के कहिथिले स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी किए कहाकु काही के कहिछन्ति स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी ए कथा राय बहादुर सोमनाथ महापात्रंकु तांको पुओ अरुण कहिथिला कारण सोमनाथंकर ब्रिटिश सरकारक प्रति मात्राधिक आनुगत्य प्रदर्शन को पुओ अरुण पसंद करूनथिला भारतवर्षर माटीपाणी पवन रे जीवन धारण करथिबा सोमनाथ भारतर स्वाधीनता आंदोलन को विरोध करूथिले तेणु से ही आंदोलन रे नेतृत्व न नेबाकु से जेतेबेले अरुण को बारण करिछंती सेतेबेले अरुण तांकु एही उक्तिटी कहिथिला जे स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी। प्रश्न 6 अरुण घर छाड़िले काहीकि अरुण काहीकि घर छाड़िथिले राय बहादुर पुओ अरुण को भारतर स्वाधीनता आंदोलन रे नेतृत्व नवापाई मना करथिले तांकर जुक्ति थिला जे ब्रिटिश सरकार विरोध रे अरुण द्रोहाचार करी अन्याय करुछि किंतु अरुणर जुक्ति थिला मनुष्य स्वाधीनता होउछि प्रत्येक मनुष्यर जन्मगत अधिकार बापांकु ब्रिटिश सरकारंकर गोलाम बोली कहिबारु सोमनाथ क्रोधान्वित होई अरुण को त्यज्य पुत्र करिथिले सेथिपाई अरुण घर छाड़िला अरुण काहीकि घर छाड़िला तार कारण कौन ना बापांकु ब्रिटिश सरकार गोलाम बोली जेते बेले अरुण कहिला सेते बेले बापा
खूब रागि जाइथिले क्रोधान्वित होइथिले एवं अरुण को त्यज्य पुत्र करिथिले सेथिपई अरुण घर छाड़ीथिला। सात नंबर प्रश्न, पुलिस साहेब राय बहादुर को कौन हुकुम देइथिले, किए हुकुम देइथिले? पुलिस साहेब राय बहादुर को हुकुम देइथिले जे देख महापात्र तुम्हें भारी परिवार लोक अनेक बड़ बड़ कथा तुम्हें चले नहीं छो। आजी एक विराट जनता आसुची सहर थाना कचेरी आक्रमण करने से साफ करार दायित्व तुमर, यहीपरी से हुकुम देते। कर्तव्यर निष्ठा निम्ते ब्रिटिश सरकार कौन प्रदान करते? आठ नंबर प्रश्न अच्छी, कर्तव्यर निष्ठा निम्ते ब्रिटिश सरकार कौन प्रदान करते? सोमनाथंकर कर्तव्य निष्ठा अतुलनीय थिला, सेथिपई ब्रिटिश सरकार सोमनाथ को पदोन्नति देवा सहित एक सनंद पत्र प्रदान करिथिले। इन्स्पेक्टर हेबा दिनर घटना वर्णना कर, जो दिन से इन्स्पेक्टर हेले, प्रथमे सब इन्स्पेक्टर थिले अस्थायी भाव काम करुथिले, तो परे जेतेबेले इन्स्पेक्टर हेले सही दिनर घटना वर्णना करिया पई एठी प्रश्न अछि। निजर अपूर्व ओ अतुलनीय कर्तव्य निष्ठा ओ आनुगत्य पाई सोमनाथ को ब्रिटिश सरकार पुरस्कृत करिथिले ओ पदोन्नति देइथिले। जेते बेले से इन्स्पेक्टर पद को उन्नीत हेले तांको घर को अर्थ प्रतिपत्ति मर्यादा संपत्ति सबू आसीथिले, मध्य माँ लक्ष्मी किंतु चीर विदाय नेइथिले, अर्थात घरु शांति दूरेइ जाइथिला। हेममाला केउ परिस्थितिरे शंखध्वनि कले? जो भारत को दिने ब्रिटिश शासक कबल मुक्त करिवा पाई स्वाधीन करिवा पाई पुत्र अरुण प्राण बलि देइथिला, सही भारतर स्वाधीनता उत्सव को निज घरे पालन करिवा को हेममाला स्थिर करिथिले। निज घरर दोताला बारंडा रे से त्रिरंगा पताकाटिए उड़ाई तार पाददेश दीपटिए जाली शंखध्वनि करिथिले। से दर्परा सहित कौन कहिथिले? से कहिले ठिके हेममाला, हेममाला दर्पर सहित कौन कहिथिले? हेममाला दर्पर सहित स्वामी को जुक्ति को खंडन करी कहिथिले, जेउ पताका पाई तांको पुओ अरु प्राण बलि देइछि से पताका जुगे जुगे उन्नत होई रहिबो। सोमनाथ काहिकी राति अनिद्रा रहिथिले? से काहिकी राति अनिद्रा रही थिले जेते बेले से देखिबा को पाई थिले जे घरे तांको पत्नी त्रिरंगा पताका तले दीपटिए जाली छंती, सही समय रे से सेठारु सही पताका को काढ़ी सही स्थान रे यूनियन जैक टी को आनी उड़ेई छंती, काले केही सही विदेशी पताका को सेठारु हटाई पूर्ण त्रिरंगा उड़ाई देबो, सही आशंका रे सोमनाथ राति अनिद्रा रही सेठारे सतर्क प्रहरी परी चेई रही थिले। सोमनाथ काहीं राति अनिद्रा रही थिले, काहीं क्यों कारण पाई से अनिद्रा रही थिले? काले केही सही विदेशी पताका को यूनियन जैक को सेठारु हटाई पूर्ण त्रिरंगा उड़ाई देबो, यही भय रे से सेठी अनिद्रा होई रही थिले। विजय जेजेंको उपरे उत्क्षिप्त हेबार कारण कौन? जेते बेले सारा राति भारतर स्वाधीनता उत्सव पालन रे माती सोमनाथंक नाती विजय जेते बेले उल्लसित होई घर को फेरीछि से देखिबा को पाइछि जे यूनियन जैक तांको घरे उड़ुछि, एहा से देखिबा को पाइला, तेणु विजय सेही पताकाटी को यूनियन जैक को सेठारु काढ़ी नेबारु सोमनाथ विजय हातरु पुणि पताकाटे को छोड़े नेबा को चेष्टा करुथिले एवं सही समय रे विजय जेजेंको उपरे उत्क्षिप्त होइथिला, अर्थात जेते बेले सही घरे त्रिरंगा पताका उड़ुथिला जेते बेले विजय घर को आसीछि देखिछि सेठारे यूनियन जैक उड़ीछि, यूनियन जैक को से काढ़िकी सेठारे त्रिरंगा उड़ेबा को से चाहूथिबा समय रे सोमनाथ पुणि सही त्रिरंगा को ताको सही नातीर हातरु छोड़ेबा को चेष्टा करुथिले, तेणु एही समय रे से उत्क्षिप्त होइ जाइछि। ब्रिटिश गोलाम पाई स्थान एठी नाही, केउ परिस्थिति रे विजय कथा कहिथिला?
ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏଠି ନାହିଁ, ଏକଥା ବିଜୟ ସୋମନାଥଙ୍କୁ କହିଛି। ସାରା ରାତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ମାତି ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆସି ଦେଖିଛି ଯେ ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ୍ ଘରେ ଉଡ଼ୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସୋମନାଥ ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପତାକା ସେ ଘରେ ଉଡ଼ିବ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ, କାରଣ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ବିଜୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୋମନାଥଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଲାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଏ କଥା କିଏ କାହିଁକି କହିଥିଲେ, କିଏ ଓ କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି? ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ୍ ସୋମନାଥ ବିଜୟ ହାତରୁ ୟୁନିଅନ୍ ଜାକ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ବେଳେ ବିଜୟ ଠେଲି ଦେଇଛି ତା ଜେଜେକୁ। ସିଡ଼ିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ତଳ ମହଳାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟର ଜେଜେବାପା। ସେହି ସମୟରେ ସୋମନାଥଙ୍କର ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଛି, ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି। ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ଯାହା ଦିନେ ରଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଯିବ, ସେହି ପତାକା ପାଇଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରହନ୍ତା ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପତାକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାତି ଆଘାତ କରିଛି। ସେଦିନ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପତାକାର ଜୟ ହେଉ। ସେଦିନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି, ଏ କଥା କିଏ କାହିଁକି କହିଥିଲେ, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସେହି ସୋମନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା ଅନୁତାପ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ପତାକା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ନାତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପତାକାର ଜୟ ହେଉ, ଏହିପରି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ରଖାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ପତାକାକୁ ନେଇ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ କେତୋଟି ମଣିଷଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପତାକା କେବଳ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ଦିନେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତଥାପି ସେହି ପତାକା ପିତା ହାତରେ ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟା କରାଇଛି, ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଲଗା କରିଛି, ପୁଣି ଶେଷରେ ନାତି ହାତରେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତ ପତାକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଛି, ସେହି ପତାକାର କଥାକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପଟି ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିପରି ଏହାର ନାମକରଣ ହୋଇଛି।